चीजों से दो चार हैं। अब मैं आपको क्या बताऊं, मैं बहुत दूर की बात नहीं करता हूं, सोशल एक्सपेरिमेंट्स नेट के ऊपर मौजूद है जिसके अंदर लोग जो है एक दूसरे से इन बातों को खुले तौर से डिस्कस करते हैं कि आप पोर्नोग्राफी देखते हैं, आपका पोर्न स्टार कौन सा है, आप न्यूडिटी को कैसा देखना पसंद करते हैं, कब देखना पसंद करते हैं, ग्रुप में देखना पसंद करते हैं, और इसमें कॉमनली मुस्लिम नॉन मुस्लिम सब ने अपने बेहतरीन और जर्रीन ख्याल का इजहार किया है। मतलब न्यूडिटी को अब बुरा नहीं माना जाता, पोर्नोग्राफी को कोई बुरा नहीं माना जाता, बल्कि उसको एक एक वे ऑफ लाइफ समझा जाता है। जिस तरह से लोग पहले जब थक हार के आते हैं तो रिलैक्स होने के लिए बोलते थे खेलते हैं, फिर एक जमाना है रिलैक्स होने के लिए बोलते थे टीवी देखते हैं, फिर एक जमाना है रिलैक्स होने के लिए फिल्में देखते थे, अब रिलैक्स होने के लिए वो पोर्नोग्राफी देखते हैं, न्यूडी देखते हैं। मतलब एक इंसान दूसरे इंसान को नंगा देखना पसंद करता है, समझ रहा? मतलब एनिमल इंस्टिंक्ट जिसको बोलते हैं, जानवरों वाली सिफत। देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जानवरों को बनाया, किसी के जिस्म पे खाली खाल होती है, किसी के जिस्म पे खाल पर बाल होते हैं, किसी के जिस्म पर खाल कम और बाल ज्यादा होते हैं, है ना, और मुख्तलिफ किस्म के जानवर होते हैं, किसी की शर्मगाहें दिखती है, किसी की बालों में छुप जाती है, और उनके नजदीक कोई हया कोई शर्म का कोई तकाजा नहीं होता है, लिहाजा वो अपनी जिंदगी अपने ढंग से जीते हैं। तो इंसान भी उसी किस्म का होना चाहता है या वैसा दूसरों को देखना चाहता है या खुद होना चाहता है, उससे उसको लगता है वो रिलैक्स फील करता है। जबकि इस पोर्नोग्राफी के न्यूडिटी के उस फर्द पर, उस इंडिविजुअल पर, उसके समाज पर, उसकी सोसाइटी पर, उसकी आने वाली शादीशुदा जिंदगी पर, मैरिड लाइफ पर, और उसकी आने वाली नस्लों पर जो इफेक्ट होता है वो हम भूल जाते हैं। देखिए मैंने एक चीज खाई और अगर खा के मुझे उससे अच्छा लगता है और अच्छा लगने के बाद उसके रिजल्ट्स भी अच्छे हैं, तो फिर मैं समझता हूँ खाना अच्छा है। जैसे आप बाहर से घूम के आए, आपने कहा चलो चाय नाश्ता करते हैं, तो आपने चाय लिए, स्नैक्स खाए, स्नैक्स और चाय का फायदा ये हो कि आप तरोताजा हो गए, रिफ्रेश हो गए, और फिर नेक्स्ट वर्क के लिए, नेक्स्ट काम के लिए रेडी हो गए, तो पता चला खाना भी अच्छा रहा और उसके नतीजे भी अच्छे रहे। लेकिन इन पोर्नोग्राफी की चीजों के देखना अच्छा लगता है लेकिन इसके नतीजे मुकम्मल तौर से खराब है। मतलब ये एक ऐसा नशा है जो खाते या पीते वक्त अच्छा लगता है लेकिन इसके बाद से जो फैमिली डिस्टर्स है, एक आदमी नशा ले लिया उसके बाद से उसने अपने आप को कभी कभार सुसाइड कर लेते लोग नशे के अंदर, दूसरों को मार दिया, एक्सीडेंट कर दिया, किसी के घर जला दिया, खुद को आग लगा दी, बीवी बच्चों से रिश्ता तोड़ लिया, तलाकें दे दी, क्या क्या नहीं होता। तो आप कहेंगे ऐसी चीज खाना दुरुस्त नहीं होगा जिसके बाद नतीजे इतने भयंकर हो, लेकिन खाने वाले को बड़ा मजा आता है। तो पोर्न न्यूडिटी बस उसी की किस्म है, देखने वाले को मजा आता है लेकिन इसके नतीजे 1% भी इसमें कोई खैर का पहलू नहीं, याद रखिए। कि तो अल्लाह रब्बुल इज्जत याद रखिए जो भी चीज इंसानियत के लिए खैर है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको जानता है और उसने वो चीज हमको बता दी, याद रखिए क्या खैर है क्या खैर नहीं, याद रखिए। ठीक है, हो सकता है कभी गोश्त में कोई खैर का कुछ पहलू हो सकता है, जैसे शराब के बारे में जब पूछा गया कि खमर के बारे में सवाल करते कहा उसके अंदर इंसानियत के लिए थोड़े फायदे तो, लेकिन उसका फायदे के मुकाबले उसके नुकसान बहुत ज्यादा है। तो पता चला किसी में अगर फायदा थोड़ा सा हो और नुकसान बहुत ज्यादा हो तो जाहिर सी बात है वो चीज़ को भी ऑप्ट नहीं किया जाएगा, वो ऑप्शन को भी लिया नहीं जाएगा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने चूंकि इसको हराम करार दिया है इन चीज़ों को देखने को, वो इसलिए कि इसके अंदर नुकसान इंसानियत को ज्यादा है बनिस्बत फायदे की, याद रखिए। और जनरली होता है कि खवातीन बहुत सारी चीज़ों को नहीं समझ पाती है, लेकिन मैं कहता हूँ नई नस्लों को अगर हमको संवारना है, नई नस्लों से वो काम लेना है जो हमारा रब हमसे चाहता है कि हम जो खुद करें और दूसरों से, मतलब हमारे मातहत लोगों से करवाएं, अगर हम वो चाहते हैं तो जाहिर सी बात है हमको बहुत अप टू डेट होना पड़ेगा, याद रखें। मतलब जहां हम अच्छाई क्या है जानते हैं, हमको उसी रफ्तार के साथ बुराई क्या है, किन जरियों से फैलती है, कहाँ कहाँ से आती है और कैसे कैसे आती है, उसको समझना है, उसको रोकथाम करना है, और खास तौर से खवातीन को, माओं को इसमें आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना है। वरना अगर माओं को पता ही नहीं होगा दुनिया में क्या फितने हैं, क्या फसाद है, क्या बुराइयां हैं, तो फिर वो कैसे अपने आप को दूसरों को बचा पाएंगे, याद रखिए अपनी नस्लों को बचा पाएंगे, समझ रहे बात को। तो लिहाजा मेरा टॉपिक हो सकता है कुछ लोगों को इररिलेवेंट लगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये इररिलेवेंट किसी भी हाल में नहीं है। आज के जदीद दौर के फितनों को डील करने के ताल्लुक से ये मेरा एक टॉपिक है, और इस कसरत से लोगों ने इस उनवान पर मुझसे सवालात किए हैं, क्वेश्चंस किए कि मैं जो है आपको बता भी नहीं सकता कितने क्वेश्चन सिर्फ इस एक टॉपिक पर आते हैं। और जैसा मैंने कहा, मैंने कोई मुबालिगा, मतलब ज्यादती बातों को बोलते ना, बड़ा चढ़ा के पेश नहीं किया जो मैंने कहा कि मैंने लोगों को रोते हुए देखा इस मसले पर, क्योंकि उनकी नई नस्लों को जब वो बर्बाद होते हुए देख रहे हैं तो वो परेशान है, अपने बच्चों को जब इस गंदी आदत में मुब्तला देख रहे हैं तो वो सवालात कर रहे हैं दीनी शख्सियात पे कि इसका कोई हल है क्या, इस मसले को सॉल्व कैसे किया जा सकता है, हम कैसे इस मसले से, इस फितने से अपने आप को और अपनी नस्लों को बचाएं। तो ये सवालात हो रहे हैं, और अगर हम लोग भी उठे नहीं, जागे नहीं जिसको बोलेंगे, तो याद रखिए आने वाली नस्लों को हम खो बैठेंगे, आने वाली जनरेशन हमारे हाथ से निकल जाएंगी। तो आइए मेरा अस्सलाम वालेकुम, आप भी हमारे इस काम में ताउन करें अपनी ज़कात व सदक़ात के ज़रिए, डोनेशन डिटेल्स के लिए डोनेट्स पर क्लिक करें। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए हैं तो इसे शेयर करें और सबके हक़दार बने। रोजाना हमारे वीडियोस को पाने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। हम सभी का सोशल मीडिया पर जुड़ने के लिए वीडियो में दिए गए आईडी को सर्च करें। जज़ाकअल्लाह।